Hello students, I am Rajesh Dhirjari sir, and in standard 8 subject English, we are going to study lesson number 2 in the first unit, and our topic or the title of our lesson is Jamaican Fragment, and this is a short story. This short story is written by A.L. Hendricks. Jamaican Fragment is a short story about a Jamaican man who witnesses two young boys. A white boy ordering a black boy while playing the game of boss. Does it signify racial discrimination or is it just a game? इस स्टोरी में ये जो जमैकन फ्रेगमेंट नाम की शॉर्ट स्टोरी है ये स्टोरी एक जमैकन मैन जमैकन आदमी जमैका एक वेस्ट इंडीज आपको पता होगा जो कंट्री है या जो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है तो उसमें जो जमैका एक आइलैंड है उस जमैका में रहने वाला आदमी मतलब कि जमैकन मैन दो लड़कों को देखता है एक खेल खेलते हुए जिसमें से दो लड़कों में से एक ब्लैक बॉय है ब्लैक मतलब कि सांवले कलर का लड़का है और एक गोरे कलर का लड़का है मतलब जिसे व्हाइट बॉय बोला गया है तो उन दोनों लड़कों में वो जो ब्लैक बॉय है वो गोरे कलर के मतलब व्हाइट बॉय का ऑर्डर जो है वो फॉलो करता है और क्या इससे जो आदमी जो है जो वो सब देख रहा है जमैकन मैन है उसे लगता है कि ये कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कलर से गोरे और काले का कही है जो वर्णभेद जो है या जो डिस्क्रिमिनेशन है कि वो तो नहीं हो रहा है भेदभाव तो नहीं हो रहा है ऐसा उसे लगता है क्या वो सच में गेम खेल रहे हैं या सच में उन दोनों के बीच में कुछ और है मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन है ये इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं सो द स्टोरी बिगिंस एवरी डे आई वॉक अ हाफ मील फ्रॉम माई होम टू द ट्रैम कार लाइन्स इन द मॉर्निंग एंड फ्रॉम द लाइन्स टू माई होम इन द इवनिंग The walk is pleasant. The road on either side is flanked by red and green roofed bungalows, green lawns and gardens. The exercise is good for me and now and then I learn something from a little incident. वो जो आदमी है जो जमैकन मैन है वो बोलते हैं कि अभी मैं क्या करता हूँ मैं हर दिन मैं ट्रैम कार से सुबह और शाम को जो वॉकिंग पर जाता हूँ जैसे हम वॉक पर टहलने के लिए जाते हैं वैसे वो ट्रैम कार से टहलने के लिए जाते हैं और ट्रैम कार का मतलब होता है एक इलेक्ट्रिक मोटर ठीक है जो पर्यावरण के दृष्टि से भी ठीक ठाक है और हाफ मील एक मील जो है वो एक किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है तो वो करीब आधे किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस हम एक अप्रोक्सीमेट मान के चल सकते हैं तो हाफ मील जो डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पर वो सुबह और शाम को भी जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी जो वॉक है वो बिल्कुल प्लीजेंट रहती है मतलब अच्छा लगता है मुझे घूमने में जो ट्रैम कार से और वो जब जाते हैं तो वहां वो जो रास्ता है वो फ्लैंग्ड है फ्लैंग कैसे फ्लैंग्ड है रेड और ग्रीन रूप के जो बंगलोज है उनसे फ्लैंक है फ्लैंक का मतलब रास्ते के दोनों तरफ एक तरफ या फिर दोनों तरफ एक पर्टिकुलर क्या बोलेंगे घर वगैरह जो होते हैं जो पैक होते हैं तो वो दोनों तरफ क्या है ग्रीन या फिर रेड कलर के रूप मतलब कि छत वाले घर वहां पे या बंगलोज जो है इमारतें वहां पर है और साथ में ही उन बंगलोज में क्या है ग्रीन कलर के लॉन्स है या फिर ग्रीन कलर के जो भी गार्डन वगैरह रहते हैं बगीचे वगैरह वो भी है और बोले ये जो मेरी एक्सरसाइज है ये बढ़िया चलती है मुझे मजा तो आता ही है और बोले आजकल जब मैं चलता हूँ तो मुझे जो है मैं जो भी चीजें मैं आसपास में देखता हूँ आजू बाजू में जो भी होता है जो हर एक चीज से हर एक इंसिडेंट से मैं कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ या फिर सीखता हूँ वन मॉर्निंग अबाउट हाफ वे बिटवीन माई फ्रंट गेट एंड द ट्रेन ट्रैक I noticed two little boys playing in the garden of one of the more modest cottages. They both were very young. One was 4 years old, perhaps the other 5. The elder of the two was a sturdy youngster, very dark, with a mat of coarse hair on his head and coal black eyes. He was definitely a little Jamaican, a strong little Jamaican. The other little fellow was younger but also sturdy. He was white with hazel eyes and little brown hair. Both were dressed in shirts and half pants. They wore no shoes. तो वो बोले एक दिन ऐसे ही मेरे घर का जो फ्रंट गेट है उस गेट से करीब मैं जो मेरा जो हाफ मील का डिस्टेंस है उस हाफ मील के डिस्टेंस पर नहीं मतलब ये जो मेरे ट्रैम जो ट्रैक है या ट्रैम ट्रैक जो है जहां से वो जिससे जाते हैं तो उसके आधे रास्ते पर होगा बोले मेरे गेट से तो उतने में मैंने क्या देखा मैंने एक मॉडेस्ट कॉटेजेस के बीच में
दो लड़कों को देखा। मॉडेस्ट कॉटेजेस का मतलब होता है कि जो महंगे वाले बंगले या महंगे वाले जो घर वगैरह है उन्हें हम बोलते हैं मॉडेस्ट कॉटेजेस। तो बोले एक महंगे मतलब एक आलिशान घर था और ऐसे घर के गार्डन में मैंने दो लड़कों को खेलते हुए देखा। उन दोनों लड़कों में जो वो जो दो लड़के हैं उन दो लड़के लगभग यंगर एज के थे, मतलब कि 4-5 साल के कुछ लड़के थे, कोई बहुत छोटे भी नहीं थे बहुत बड़े भी नहीं थे, एक 4-5 साल के बच्चे थे वो। और दोनों मजबूत थे, दोनों में एक बोले मैं अगर औसतन अगर कहूँ तो एक लड़का 4 साल का था और दूसरा लगभग 5 साल का रहा होगा, और उनमें से जो बड़ा लड़का है मतलब 5 साल वाला जो लड़का है वो काला था, काला मतलब डार्क कलर था उसका, और वो स्टर्डी था मतलब कि मजबूत था बिल्कुल, और उसके जो बाल थे वो एकदम रफ तरीके के थे मतलब बिगड़े टाइप के थे बिल्कुल, और साथ में उसके जो आंखें हैं वो आंखें कैसी थी, कोल ब्लैक थी मतलब बिल्कुल कोयले जैसी काली आंखें थी क्योंकि वो ब्लैक बॉय था वैसे भी। और बोले मुझे ऐसा लगता है कि वो पक्का जमैकन होगा, छोटा जमैकन, मजबूत वाला जमैकन। और बोले जो दूसरा लड़का है उसका जो साथी है वो साथी भी यंगर था, मतलब उससे तो छोटा है, मतलब 4 साल का था, स्टर्डी था मतलब वो भी मजबूत था, पर बोले वो व्हाइट था मतलब कि उसका जो कलर है वो मतलब गोरा कलर, गोरे कलर का लड़का था, गोरे रंग का लड़का था वो, और उसकी जो आंखें है उसकी आंखें बिल्कुल हेजल थी, हेजल मतलब कि गिजरी थी, जो नीली या फिर हरी कलर की जो आंखें होती है उन्हें हम गिजरी या फिर हेजल आईज बोलते हैं, तो उस तरीके की आंखें थी। और उसके जो बाल है वो बाल लिटिल ब्राउन थे मतलब कि हल्के से भूरे कलर के बाल थे उसके, और दोनों लड़के शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए थे, दोनों ने शूज पहने नहीं थे। They were not conscious of my standing there watching them. They played on. The game, if it could be called a game, was not elaborate. The little white boy strode imperiously up and down and every now and then shouted imperiously at his elder playmate. The little brown boy shuffled along quietly behind him and did what he was told. क्या हुआ? अब बोले वो दोनों लड़कों को ये पता नहीं था कि मैं उन्हें देख रहा हूं, और वो कुछ खेल रहे थे, उनका खेल चल रहा था, पर बोले मैं खेल तो बोल रहा हूं पर मैं खुद ये बता नहीं सकता कि वो सच में खेल ही रहे थे या खेल के कुछ और चल रहा था उन दोनों के बीच में, क्योंकि वो गोरे कलर का जो लड़का है, जो छोटा गोरे कलर का लड़का है, वो क्या कर रहा था, वो एकदम इंपेरियसली मतलब उद्दटता से एकदम बदतमीजी के लिहाजे में वो उससे बड़े पर ब्लैक कलर के जो लड़का है उसे कुछ ऑर्डर दे रहा था, और जब भी देखो उस पर चिल्ला रहा था, उस पर ऑर्डर दे रहा था उसको और उसके साथी को, मतलब बड़े उससे बड़ा जो उसका बड़ा साथी है खिलाड़ी है उसको, मतलब कि वो जो डार्क बॉय है उसको, और वो जो लिटिल ब्राउन बॉय है, ब्राउन बॉय जो डार्क वाला जो लड़का है वो भी क्योंकि उससे बड़ा होगा पर असल में तो वो भी छोटा ही था, तो वो भी बोले जैसा उसको बोला जाता था वैसा ही वो चुपचाप उसको जो भी करने के लिए बोला जाता था वो चुपचाप अपने से छोटे पर वो गोरे लड़के का ऑर्डर को फॉलो करता था, मानता था, और चुपचाप उसको जो भी कहा जाता था वो चीज वो करता था। क्या करता था देखिए, पिक अप दैट स्टिक, द डार्क बॉय पिक्ड इट अप, जंप इन टू द फ्लावर्स, द डार्क बॉय जंप्ड। क्या हुआ, उसे गोरे लड़के ने ऑर्डर दिया, वो लकड़ी को उठा, उसने उस लकड़ी को उठा लिया, स्टिक को उठा लिया, जंप इन टू द फ्लावर्स, फूलों के बीच में जंप करो, वो कूद गया मतलब जंप करने गया। गेट मी सम वाटर, मेरे लिए पानी लाओ, तो डार्क बॉय जो है वो इनसाइड अंदर चला गया, और एंड द व्हाइट बॉय सैट डाउन ऑन द लॉन, जो गोरा लड़का है वो चुपचाप ऑर्डर देकर लॉन जो लॉन है लॉन में बैठ गया। आई वॉज अमेज्ड, अब ये जो जमैकन मैन है वो बोलते मैं आश्चर्यचकित हो गया, हियर बिफोर माई आईज अ वाइट बेबी, फॉर दे वेयर लिटिल मोर देन बेबीज, वाज इम्पोजिंग हिज विल अपॉन अ लिटिल ब्लैक बॉय, द लिटिल ब्लैक बॉय सबमिटेड। बोले मेरे आंखों के सामने वो जो गोरा लड़का है, जो सच में छोटा सा लड़का है, वो कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, बस बेबी हम जो एकदम छोटे बच्चे बोलते हैं उससे थोड़ा बड़ा होगा, तो उस उम्र में वो क्या कर रहा था, अपनी इच्छा को अपने से बड़े और वो जो काले कलर के लड़का है उस लड़के को ऑर्डर दे रहा था, अपनी इच्छा उस पर थोप रहा था, और वो जो लड़का है वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, वो जो काले कलर का लड़का है वो सबमिट करता था, मतलब बिल्कुल जो उसको कहा जाता था वो उसको ऐसा ही करता था। एंड देन बोले आई वॉज पजल्ड एज आई वेंट डाउन द रोड, जब मैं फिर आगे का रास्ते में जब जाते गया तब मैं सोचने लगा, मैं बोले मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं ये चल क्या रहा है।
Could it be that the little dark boy was the son of a servant in the home and therefore had to do the white boy's bidding? क्या ये हो सकता है कि वो जो डार्क कलर का लड़का है वो भले ही बड़ा हो पर वो लड़का वो जो गोरे कलर का लड़का या गोरा लड़का है उस गोरे लड़के के घर में काम करने वाला कोई सर्वेंट या नौकर का लड़का हो, ये काला लड़का हो सकता है, उसके वजह से ये उसके जो ऑर्डर है गोरे लड़के का ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, क्या ये हो सकता है? या कहीं ऐसा तो नहीं है? नो, दे वेयर ऑब्वियसली ड्रेस्ड अलाइक. बोले नहीं, ऐसा शायद नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का ड्रेस लगभग एक जैसा ही ड्रेस पहने हुए है. द लिटिल डार्क बॉय वाज ऑफ इक्वल क्लास विद हिज प्लेमेट. और बोले उसका जो क्लास है, जो एक उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल वो गोरे लड़के जैसा ही था. तो नौकर का लड़का तो नौकर जैसे रहेगा, तो उस तरीके का तो दिख नहीं रहा था वो. और तो दे वेर प्लेमेट्स. द लिटिल डार्क बॉय वाज अ नेबर्स चाइल्ड. नहीं बोले वो सच में वो दोनों खिलाड़ी थे, दोस्त टाइप के कुछ रहे होंगे, पर बोले वो जो छोटा लड़का है, जो डार्क वाला जो लड़का है, सावला या काला जो लड़का है, वो गोरे लड़के के नेबर मतलब कि पड़ोसी का लड़का होगा, मतलब कि पड़ोसी होगा. मैं बोले इस बारे में मैं लगभग श्योर हूं. देन हाउ वाज इट दैट ही ओबेड द व्हाइट बॉयज ऑर्डर सो फेथफुली. पर बोले अगर पड़ोसी है तो अपने से अपना जो पड़ोसी है मतलब गोरा लड़का है करके वहां पे काले गोरे की तो बात नहीं आती. फिर बोले उसका ऑर्डर इतने विश्वास के साथ मानेगा क्यों? अगर पड़ोसी है तो खेल खेल में कि उसको जैसा कहा जाएगा वैसा ही करेगा. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. व्हाई डू यू थिंक द डार्क बॉय वॉज ओबेइंग ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द व्हाइट बॉय? कि आपको क्या लगता है कि वो जो डार्क बॉय मतलब कि सांवला या काला लड़का जो है वो जो उस मतलब वो जो गोरा लड़का है उस गोरे लड़के के हर ऑर्डर को क्यों मानता था या फॉलो करता था या उसका पालन क्यों करता होगा? आपको क्या लगता है वो आपको सोचना है. वॉज इट दैट इवन एट दिस अर्ली एज ही सेंस दैट इन हिज ओन कंट्री ही वुड बी एट द व्हाइट मैन्स बेक एंड कॉल? कुड ही इन सच यूथ डिवाइन अ डिफरेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड द व्हाइट बॉय? वो बोलते हैं क्या ऐसा नहीं होगा कि इतनी कम एज में क्या वो जो गोरा लड़का है क्या उसने ये सोच लिया है कि नहीं कि वो एक काले लड़के को मतलब कि सिर्फ कलर की वजह से वो उससे बड़ा होने के बावजूद कि अपनी इच्छा के हिसाब से थोप सकता है कि वो जो भी बोलेगा और मतलब कि अपनी इच्छा जो भी वो मनचाहे जो भी चाहता है वो करवा लेगा कोई भी काम अपने से छोटे उम्र से? क्या इस तरीके के संस्कार उसको मिले होंगे? इतनी अगर ऐसा है इस छोटी उम्र में अगर वो डिस्क्रिमिनेट करने लगा है गोरे और काले में, तो बोले ये जब बड़ा होगा जब यूथ हो जाएगा तब बोले तो ये तो फिर जो ये जो काले और गोरे कलर का जो है भेद है ये भेद तो बिल्कुल तुरंत में उसे वो पकड़ लेगा. डिड द लिटिल व्हाइट यंगर सो यंग सच अ बेबी रियलाइज दैट ही वुड ग्रो टू डोमिनेट द ब्लैक मैन? क्या वो जो गोरा लड़का है वो जब बड़ा हो जाएगा तब क्या वो ये रियलाइज कर सकता है कि वो मतलब बड़े जो ब्लैक मेन है ब्लैक मतलब कि जो काले कलर के जो वंश के जो लोग है उन्हें डोमिनेट कर सकता है मतलब कि उनको कंट्रोल कर सकता है अपने मर्जी के हिसाब से? वाज देयर एन इनडिफाइनेबल क्वालिटी इन द वाइट दैट इनेबल्ड हिज बेबी स्मॉलर एंड यंगर देन हिज प्लेमेट टू मेक हिज स्लेव? बोले वो जो गोरे कलर का लड़का है क्या उसके पापा वगैरह ये जानते होंगे? क्या उन्होंने ऐसे ही तो संस्कार नहीं किए होंगे? उन्हें ऐसे ही तो नहीं बोला बताया गया होगा इतनी छोटी उम्र के उम्र में कि आप जो है अगर कोई काले कलर का लड़का है तो तुम क्योंकि गोरे हो तो तुम वो काले कलर के लड़कों को या काले लोगों को मतलब कि जो ब्लैक मेन है या ब्लैक बॉयज है उनको अपने इच्छा के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, उनको अपना स्लेव मतलब कि गुलाम बना सकते हो? आई कुड फाइंड नो आंसर. और ये सब सवाल वो आदमी जो है जो जमैकन मैन है उसके दिमाग में आ रहे हैं, वो ये सब सोच रहा है, पर बोले इन सभी सवालों के कोई जवाब मेरे मन में मेरे दिमाग में या मेरे पास नहीं है. आई कुड नॉट ब्रिंग myself टू बिलीव सच अ थिंग एंड येट विद माई ओन आईज आई हैड सीन अ लिटिल डार्क बॉय टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अ लिटिल व्हाइट बॉय. अ लिटिल व्हाइट बॉय ऑब्वियसली हिज सोशल इक्वल एंड यंगर एंड स्मॉलर वेयर वी as a race really inferior, so inferior that even in our infancy we realized our deficiencies and accepted a position as the white man's servant. फिर बोले मैं जो है मैं क्योंकि मेरे आंखों के सामने मैं ये मुझे मतलब ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे ही आंखों के सामने जो काला लड़का है वो चुपचाप गोरे लड़के के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और वो जो गोरा लड़का है वो उसी
समाज में रह रहा है और उसके बावजूद वो जो काला लड़का है उस काले लड़के को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। और बोले अगर ऐसा है तो क्या ये गोरे और काले कलर में जो जो उच्च नीच वाली जो बात है, जो भेदभाव है, क्या ये नहीं हो रहा? ऊपर से इतना भेदभाव हो रहा है, इतनी नीचता या इतना मतलब ब्लैक बॉय को इतना डोमिनेट किया जा रहा है कि ये जो इतनी जवानी में, इस इन्फेंसी में, मतलब कि इतनी छोटी की उम्र में वो लड़का जो है उसको ये मान, ये समझ लेगा, ये समझ जाएगा ब्लैक लड़का कि मैं कमजोर हूं क्योंकि मैं काला हूं, तो मैं मुझे क्या करना है, मुझे बड़ा होने के बाद में भी गोरे लड़कों के ऑर्डर को ही फॉलो करना है, उनका गुलाम बनकर ही रहना है, क्या ऐसा नहीं होगा? ये सब जो ख्याल है, ये सब ख्याल आ रहे हैं जमैकन मैन के दिमाग में। फॉर अ होल डे आई पजल्ड ओवर दिस प्रॉब्लम, फॉर अ होल डे माई फेथ इन माई पीपल वॉज शेकन, वेन आई पास बाय दैट आफ्टरनून द लिटिल बॉयज वेयर नॉट देयर, दैट इवनिंग आई थॉट डीपली ऑन द सब्जेक्ट। अब बोले वो पूरे दिन भर मैं कंफ्यूज हो गया, मैं वही वो समस्या के बारे में सोचता रह गया कि किस तरीके से मेरे जमैका में, मेरे देश में या इस मेरे सिटी में क्या हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रहा है। और बोले पूरे दिन भर मैं उसी बारे में सोच सोच कर मेरा जो मतलब क्या बोलेंगे, मैं इतना शेक हो गया, मैं हिल गया लगभग अंदर से। और बोले फिर मैं जब दोपहर को जब वापिस आया तब मैंने देखा कि वहां पे वो जो छोटे लड़के हैं काला और गोरा दोनों के दोनों लड़के वहां पे थे नहीं। और फिर शाम को भी मैं उसी मामले में, उसी टॉपिक पर, मैं उसी सब्जेक्ट पर सोचते रहा डीप तक एकदम। नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉयज वेयर देयर अगेन एंड अ मैन वाज स्टैंडिंग एट द गेट वॉचिंग देम। आई स्टॉप्ड एंड लुक्ड जस्ट टू सी व्हाट द व्हाइट बॉय वॉज मेकिंग हिज लिटिल सर्वेंट डू। To my utter astonishment, the little dark boy was striding, white youngster walked exactly behind him. अब क्या हुआ देखिए, अब अगले दिन जो है, अगले दिन बोले क्योंकि दोपहर को नहीं था, शाम को ये वही सोचने लगा। अब अगली सुबह जब ये जो मैन है, ये आदमी है, जमैका मैन है, ये जब जा रहे थे तब फिर से वो दो लड़के वहां पे उन्हें दिखे। और गेट पर से जब दिखे तो वो दोनों लड़कों को फिर से देखने लगा क्योंकि एक दिन पहले का वाक्य उनसे मालूम था। अब ये उनको देख रहे थे और ये देख रहे थे कि अब ये जो लिटिल सर्वेंट है, मतलब कि वो जो ब्लैक लड़का है, उससे अब ये गोरा जो लड़का है वो क्या करवाता है करके वो देखना चाहते थे। पर यहाँ पे ये सरप्राइज हो गए। क्यों सरप्राइज हो गए, क्यों आश्चर्य हो गए? क्योंकि यहाँ पे जो लिटिल डार्क बॉय है वो अब क्या कर रहा था, ऑर्डर दे रहा था गोरे लड़के को। इसके पहले क्या हो रहा था, गोरा लड़का काले लड़के को ऑर्डर दे रहा था, अब बिल्कुल उल्टा हो गया। काला लड़का ब्लैक बॉय जो है वो गोरे लड़के को ऑर्डर दे रहा है। और जिस तरीके से एक दिन पहले ब्लैक बॉय ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, उसी तरीके से वो गोरा लड़का उस सावले कलर के लड़के के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था उसी लॉन में। और बिल्कुल काले लड़के के पीछे वो गोरा लड़का जा रहा था। Get me a banana. The little white boy ran into the house and reappeared shortly with a banana. Same तरीके जैसे एक दिन पहले गोरे लड़के ने छोटे वाले मतलब कि काले वो जो उससे बड़े पर काले लड़के को जो ऑर्डर दिया था कि मेरे लिए क्या करो, पानी लाओ वगैरह, उस तरीके से अभी इसने गोरे वाले को ब्लैक वाले ने ऑर्डर दे दिया। क्या ऑर्डर दिया, मेरे लिए केला लेकर आओ, बनाना लेकर आओ। जो वाइट बॉय है वो अंदर गया, बनाना लेकर आया कुछ समय में। Peel it for me, मेरे लिए इसका छिलका, इसको छिलके दो। तो the little white boy skinned the banana and handed it over to his dark master. अब जो है उसने क्या किया, फिर बुरे लड़के ने छील के वो हैंड ओवर किया अपने से डार्क मास्टर को, मतलब को गोरे काले लड़के को। What do you think the children were doing? अब आपको क्या लगता है कि अब ये बच्चे क्या कर रहे होंगे, ये अब आपको पूछा गया है। I saw it now. This was indeed a game I had played as a child. Each boy took his turn every alternate day to be the boss, the other the slave. It had been great fun to me as a youngster. I smiled as I remembered. I looked at the man standing by the gate. He was a white man. I remembered what I had thought yesterday. He, no doubt, I thought to myself, was wondering if the black race is superior to the white. I laughed gently to myself. How silly grown-ups are, how clever we are, how wonderfully able we are to impute deep motives to childish actions.
This man, I said to myself, will puzzle all day on whether the blacks will eventually rise and rule the world because he thinks he sees a little black boy, realizing at a tender age his superiority over the white. I will save him his puzzle. I will explain it to him. I went across to him. अब क्या हुआ देखिए, अब इसके बाद में अब बोले, अब इसने जब ये चीज जब देखा तब ये समझ गया, बोले नहीं ये पक्का क्या कर रहा है, ये गेम खेल रहा है, ये गेम है बॉस बनने का, जिसमें क्या होता है। और ये बोले ये गेम मैं खुद भी अपने बचपन में खेला हूं, जिसमें क्या होता है, जिसमें हर लड़का क्या करता है, बॉस बनता है हर अल्टरनेट डे, मतलब आज मैं कल दूसरा, फिर से मैं फिर और दूसरा, इस तरीके से। तो हर अल्टरनेट दिन एक दिन के गैप में हर एक लड़का बॉस बनता है और एक गेम खेलता है। और बोले ये सब जब हो रहा था तो बोले मैं भी वो पुराने दिन, मेरे खेल, मेरे बचपन के दिन को याद करने लगा, और वो उनको याद करते करते मेरे मन मुस्काने लगा, हंसने लगा। और फिर मैंने देखा कि एक आदमी उन दोनों लड़कों को जैसे एक दिन पहले मैं देख रहा था उसी तरीके से और एक आदमी गेट से इन दोनों लड़कों को देख रहा है। और बोले मैं समझ गया कि वो आदमी क्या सोच रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी ये सोच रहा होगा कि इस यहाँ पे ब्लैक रेस सुपरियर है, मतलब कि ब्लैक लोग व्हाइट लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, ये वो सोच रहा होगा। क्योंकि एक दिन पहले इसने क्या सोचा था कि व्हाइट लोग ब्लैक वालों को डोमिनेट कर रहे, कंट्रोल कर रहे, गुलाम बना रहे। और ऐसा ही होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ब्लैक लोग इस मतलब सरेंडर कर देंगे कि हम गुलाम ये समझ के। और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जमैका वैसे भी वेस्ट इंडीज जो है वहां पे सावले लोग ही ज्यादा है, तो बोले यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा वो सोच रहा होगा जो आदमी देख रहा है, जो थर्ड पर्सन है, कि सुपर की जो व्हाइट रेस है वो यहाँ पे विक्टिम है, और जो ब्लैक रेस है, ब्लैक कलर के जो लोग है वो क्या कर रहे होंगे, वो सुपरियर बनेंगे। तो ये वो सोच रहा होगा। और बोले किस तरीके से हम जो बड़े लोग हैं वो किस तरीके से मूर्खता जैसे काम करते हैं, मतलब कि बिना कुछ सोचे समझे एक अपना एक मन के मन में ही कुछ ही डिसाइड कर लेते कि ऐसा होता होगा, पर फैक्ट क्या है वो जानते नहीं है। और बोले कल चल के, कल जब ये देखेगा, अगर ये देखता है ये जो आदमी है कि फिर से ये जो ब्लैक जो आज ऑर्डर दे रहा है वो कल ऑर्डर फॉलो करेगा, और जो आज ऑर्डर को फॉलो कर रहा है वो कल ऑर्डर देगा, तब फिर इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। पर ये आज दिन भर, जैसे कल मैं दिन भर कंफ्यूज था, वैसे आज ये दिन भर कंफ्यूज रहेगा। और बोले नहीं मैं क्या करूंगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि नहीं आप जो सोच रहे हो वो क्या है और एक्चुअली फैक्ट क्या है। हु डू यू थिंक इज द व्हाइट मैन, वो जो व्हाइट मैन है मतलब जो अब देख रहा है किसको, अब आज के दिन जो व्हाइट मैन जो देख रहा है वो कौन होगा, बच्चों के फादर, बच्चों का नेबर, या फिर कोई स्ट्रेंजर, जैसे ये एक स्ट्रेंजर थे एक दिन पहले, वैसे। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग आई सेड। अब ये जो जमैका मैन है वो गोरे के पास में गया जो उनको दूसरे दिन देख रहा था, और बोले मुझे पता है, बोले आप क्या सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग दैट मे बी द ब्लैक रेस इज सुपरियर टू द व्हाइट बिकॉज यू जस्ट सॉ द लिटिल डार्क यंगस्टर ऑन द लॉन ऑर्डरिंग द लिटिल व्हाइट बॉय अराउंड, डोंट थिंक दैट इट्स गेम दे प्ले। क्या बोला इसने, ये जो जमैकन मैन है ये इसने एक दिन पहले क्यों सोचा था, क्योंकि ये खुद सावला है, और एक दिन पहले क्या हो रहा था, सावला लड़का जो जो ब्लैक आदमी है वो ब्लैक जो बॉय है वो ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, और करके इसने ये सोच लिया, ये मन में बना लिया कि नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, काले लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा है, मेरे जो रेस है उनके साथ में भेदभाव हो रहा है, ये इसने डिसाइड कर लिया था। अब एक दिन बाद में क्या हुआ, गोरा आदमी देख रहा है कि गोरे लड़के को काला लड़का कंट्रोल कर रहा है, तो अब ये सोच रहा होगा गोरा आदमी कि गोरे लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा है, काली जो या ब्लैक जो रेस है वो सुपरियर है करके। तो बोले मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, आपको ये लग रहा है कि जो ब्लैक रेस है, जो काले लोग है वो भेदभाव कर रहे हैं गोरे लोगों के साथ, पर बोले आप ऐसा सोचो मत, क्योंकि बोले यहाँ पे जो है आपका सोचना जायज है, पर बोले कल मैं भी ऐसे ही किसी गलत फहमी में था, पर बोले आप सोचो मत क्योंकि ये बस खेल है। अल्टरनेट डेज वन इज बॉस द अदर इज सर्वेंट, इट्स अ ग्रैंड गेम। बोले हर एक दिन के गैप में क्या होता है, एक लड़का बॉस बनता है, दूसरा लड़का जो है वो जो है सर्वेंट बनता है, मतलब कि नौकर बनता है, जो काम मानता है। और बोले ये बहुत बड़ा गेम है, I used to play it and maybe so did you। बोले मैंने ये गेम बचपन में खेला है और हो सकता है आपने भी ये गेम खेला हो, पर उसमें क्या होता है जनरली, मैंने जब खेला था तो दोनों काले थे, तुमने खेले होंगे तो दोनों गोरे होंगे, तो वहां पे जो है भेदभाव वाली बात ही नहीं थी, यहाँ पे एक काला और एक गोरा होने की वजह से जो काले ने देखा कि काले के साथ में भेदभाव हो रहा है, तो मतलब जो काले को ऑर्डर फॉलो करते हुए तो इसको लगा कि काले उनके साथ भेदभाव हो रहा है,
गोरे ने देखा गोरे को फॉलो करते हुए, तो इसको लगा गोरों के साथ में भेदभाव हो रहा है, तो बोले बस पर ये बस गेम है। Yesterday, मतलब कल, I saw the little white boy bossing the dark one and I worried all day over the dark boy's realization of his inferiority so young in life. We are silly, we grown-ups, aren't we? बोले कल क्या हुआ, कल मैंने देखा कि जो काले लड़के को ये गोरा लड़का क्या कर रहा था, जो आज ऑर्डर मान रहा है वो कल ऑर्डर दे रहा था, और बोले कल मैं भी पूरा दिन भर सोचने लगा कि किस तरीके से ये काले लड़का ये सोचेगा जिंदगी बड़ा होने के बाद कि उसके साथ में कितना अन्याय हो रहा है, या किस तरीके से सर्वेंट के रूप में उसकी वो निम्न है, इंफेरियर है, ये सब सोचेगा। पर बोले हम बड़े लोग हैं, जो है वो बड़े हो गए, पर हम कितने मूर्खतापूर्ण काम करते हैं हमको खुद को पता नहीं है। बोले अब द मैन वाज सरप्राइज्ड एट माय आउटबर्स्ट, ही लुक्ड एट मी स्माइलिंग। अब ये फिर जो जमैकन मैन है जिसने बूढ़े आदमी को बताया, वो फिर आगे बोलता है, क्या बोलता है कि बोले एक्चुअली वो जिसको मैंने ये बोला, जो गोरा आदमी है, जो उसको जिसको मैंने बताया कि ये गेम है बस वो देने करके, तो ये सुनने के बाद वो मतलब वो उससे पूरे इमोशंस ही निकल गए, पूरे मतलब पूरी फीलिंग्स बह गई, वो सोचने लगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मेरे तरफ देख के वो हंसने लगा। और उसने क्या बोला, आई नो ऑल अबाउट द गेम, बोले मुझे इस गेम के बारे में पहले से पता है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और क्यों पता है, द बॉयज आर ब्रदर्स माय सन्स, बोले वो जो दो लड़के खेल रहे ना, जो एक काला और एक गोरा, वो दोनों लड़के बोले वो दोनों भाई भाई है, इसने क्या सोचा था डिवर्स है, वो भाई भाई है और वो दोनों मेरे बेटे है, मतलब कि मैं उनका कौन हूँ, फादर हूँ। तो इसमें आपको आंसर मिल गया होगा पीछे के जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फादर, बॉय चिल्ड्रेन फादर, ये है आंसर। फिर वहां पे उसने ये भी बोला, द He pointed to a pretty, brown woman on the veranda who had just come out to call the children in. That's my wife, he said. और अब फिर उसने वो जो गोरा आदमी है, उस गोरे आदमी ने अपने वाइफ के तरफ इशारा किया, जो कि ब्राउन थी, मतलब कि ज्यादा गोरी भी नहीं थी, ज्यादा सावली भी नहीं थी, और वरांडे में मतलब कि जो एक वरांडा जो एरिया जो है बाहर का एरिया आंगन जैसा, तो वहां पे उसने उसकी जो वाइफ थी उसको इशारा किया, जो क्या कर रही थी, वो जस्ट आई हुई थी बच्चों को आवाज देने के लिए, और फिर उसने बोला कि क्या बोला कि ये मेरी वाइफ है। आई स्माइल्ड, अब ये जो जमैकन मैन है ये हंसने लगा, माय स्पिरिट लाफ्ड विद इन मी, और ये अंदर के अंदर ये सोचने लगा कि मैंने क्या सोचा था, और फिर इस आदमी के बारे में क्या सोचा था, और एक्चुअल में क्या है, मैंने तो ये सोचा था कि वो नौकर का लड़का होगा, फिर सोचा कि नेबर होंगे, फिर सोचा कि ये भी मेरे तरह से पजल है, पर यहाँ तो कुछ अलग ही स्टोरी है। Then he said, "This is my country." बोले यही मेरा देश है। क्या बोले? This is Jamaica. बोले ये जमैका है। This I said in my heart. उसने अपने अंदर के अंदर दिल के दिल में कहा कि ये है जमैका। This is my country. ये मेरा देश है। My people. बोले ये मेरे लोग हैं। एक काला, एक गोरा वगैरह जो भी है, पर ये मेरा देश है। ये मेरा देश है। ये ऐसे लोग हैं मेरे देश में। I looked at the white man. वो उस गोरे आदमी के तरफ देखा इसने। स्माइल किया और फिर क्या बोला, वी विल मिस द ट्रेन, वी विल मिस द ट्रैम इफ वी डोंट हरी। और फिर गोरे आदमी ने ही बोला, क्या बोला कि बोले अगर अभी हमने जल्दी नहीं किया तो हमारी जो ट्रैम है वो मिस हो जाएगी, हमको क्या करना चाहिए, वो जो इलेक्ट्रिक कार है या जो ट्रैम कार है उससे भी पकड़ लेना चाहिए। तो ये ब्यूटीफुल स्टोरी है जो कि एएल हेंड्रिक्स ने लिखी हुई है। एएल हेंड्रिक्स वॉज बॉर्न इन 1922 एंड ही वॉज डाइड in 1992. He was a Jamaican poet, writer and a broadcasting director. ये जो है एक जमैकन पोएट है, कवि है, राइटर मतलब कि लेखक है, और ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर भी है। He had also contributed as a columnist and literary critic to the Daily Gleaner. Daily Gleaner एक मैगजीन है जिसमें इन्होंने क्या किया, कॉलमनिस्ट के तौर पर, स्तंभ लेखन के तौर पर, राइटर या एडिटर के रूप, कॉलमनिस्ट के रूप में आर्टिकल लिख रहे थे, वो लिखते थे, और वो लिटररी क्रिटिक भी थे, जो साहित्य हो रहे हैं जो है लिटररी जो है वहाँ पे ये क्रिटिकल रूप में भी काम कर रहे थे। हिज राइटिंग्स पोर्ट्रे वेरियस सोशल कंसर्न्स ऑफ द सोसाइटी अलोंग विद हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड रोड टू लाकोविया, म्यूएट एंड शेक। तो ये जो है इन्होंने ये लगभग सोशल इशूज जो है उनके बारे में ये लिखते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में को पॉइंट आउट उन्होंने किया है, हाईलाइट किया है, और ऐसे सोशल इश्यूज के बारे में लिखते हैं, पर साथ में उस इशू के बारे में अपनी ओपिनियन, अपनी राय भी लिखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखते हैं, जो इन्होंने लिखा कि किस तरीके से हम लोग होता कुछ और है और अलग ही सोचते हैं, वो भी इन्होंने लिखा, तो वो भी करते हैं। और इनके जो फेमस जो कुछ नॉवेल्स या बुक्स है या स्टोरीज है
वो किस नाम से, रोड टू लाकोविया, ये एक फेमस है, म्यूट या म्यूट आप जो भी पढ़े, और शेक, चेक बोलो शेक बोलो, ये भी एक उनकी फेमस बुक्स के नाम है। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज स्टोरी को लाइक कीजिए, और कोई अगर सवाल वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हो, और इस स्टोरी को शेयर करके हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।